हाँ जी बेबी, आज हम क्या बनाने वाले हैं? तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी के चीले और हे भगवान, आपको लौकी खाने के पड़ेंगे। चीले। ओके ठीक है, तो क्या क्या चाहिए उसके लिए? इसके लिए हमने लिया है एक लौकी था, छोटा लौकी था, हाफ ग्रेट किया हुआ। सो अप्रोक्सीमेटली एक बोल होगा ये। उसको मैंने थोड़ा सा पानी में डाल के रखा हुआ है जिससे वो काला ना हो। उसके बाद मेरे पास है ब्लैक पेपर, फिर भुना हुआ जीरा है, थोड़ा सा अजवाइन है, लाल मिर्च है, सॉल्ट है, हल्दी है, चॉप ग्रीन चिलीज है और धनिया है। वहां पे मेरे पास है बेसन और रवा। चलिए फिर करते हैं शुरू। ये जो लौकी है हमारा, उसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले ग्रीन चिलीज। हरी मिर्च आ चुकी है, थोड़ा सा धनिया, धनिया भी आ चुका है, अब आने वाला है क्या? थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, ओके, भुना हुआ जीरा भी ढाल दिया गया है, अजवाइन। अजवाइन आ गई है। अब हम डाल देते हैं इसमें सॉल्ट, अब हम इस थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। रेड चिली पाउडर और एकदम थोड़ी सी हल्दी। ओके, मसाले हमारे आ चुके हैं, अब हम इसमें इसमें पेपर क्रश कर लेते हैं। ये हमने हमारा पेपर भी इसमें क्रश कर लिया है। ये एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो ओके हम डिनर में खाने वाले हैं। यस, क्योंकि हम लोग डाइटिंग पे हैं। नहीं, हमने कल ही डोनट्स खाए हैं। झूठ मत हाँ बोलो। करेक्ट है। हम कभी कभी डाइट फूड खा लेते हैं। हाँ यहाँ कभी। पे बेसन ले लेते हैं। बेसन थोड़ा सा ज्यादा जाएगा तो मैं अभी 3 चम्मच, नहीं 4 ले लेती हूँ, 4 चम्मच बेसन। हम सोच ही रहे हैं इतने सालों से डाइट करने का, कर नहीं पा रहे पर। और यहाँ पे 2 चम्मच रवा। रवा ज्यादा नहीं लेना है, बस एक क्रंच के लिए मैं रवा ले रही हूँ। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम इसको मिक्स करके एक बैटर बनाएंगे। ओके तो यहाँ पे ना लौकी को थोड़ा सा पानी में हमने डाला हुआ था पहले से, और लौकी में खुद में भी पानी होता है अच्छा खासा। तो अभी हम कुछ नहीं मिलाएंगे, बस इसको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। अरे वाह, ये तो मस्त मिक्स हो गया है। मुझे तो लगता है लौकी का टेस्ट भी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। और आप सोचो हेल्दी खाना भी खा लोगे, लौकी की सब्जी तो अच्छी नहीं लगती आपको। बिल्कुल भी नहीं लगती मुझे लौकी की सब्जी अच्छी। वाह वाह, अब हम इसमें ऐड करें थोड़ा सा पानी। अब हम क्या करेंगे? विस्क करेंगे इसको। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हैं कि विस्क करते हैं? विस्क, विस्क भी कर बोल सकते हो आप, दैट इज द राइट वर्ड। मैं जब विस्क बोलने के लिए जाता हूँ तो मेरे मुंह से विक्स निकल जाता है। वाह, यहाँ पे देखो ये जो जो लम्स दिख रहे हैं, हमें बस वो लम्स रिमूव करने हैं ओके, उसका। सुलम्स को रिमूव करते जाइए और इसको घुमाते जाइए। तो इसका ये चीला लाइक बैटर मैंने बना लिया है। वी नो कि इसमें हमने रवा भी डाला है, तो रवे को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम इसको 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। ओके, तो दिखाते हैं आपको 10 मिनट के बाद। बैटर बन के रेडी हो गया है, अब हमें बस इसके चीले बना लेने हैं फटाफट। तो यहाँ पे तवा भी रेडी है, तवे को ब्रश कर देते हैं अच्छे से और थोड़ी ये सी है हीट से। हमारा नया तवा, ये हमने स्पेशली खरीदा है क्योंकि हमको वीडियोस में अच्छे चीले, अच्छे डोसे बनाने हैं, है ना? आपको हर चीज़ प्लांट करनी है ना? नहीं, अगर तो बताना पड़ता है ना, इसमें क्या फ्लॉन्ट करना है। अच्छा, तो अब मैं चीला फैलाऊंगी। इसके लिए मुझे ना शेप को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लौकी डाला हुआ है ना इसमें, तो उसके लिए मुझे बैटर की कंसिस्टेंसी को थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लोई रखना होता है नॉर्मल चीले से। तो जहाँ पे शेप ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अनइवन जा रहा है, वहाँ पे ठीक कर सकते हैं, बाकी इट्स ओके। थोड़ा बहुत अनइवन रहेगा तो चलेगा। अब इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। तो ये ऐसा कितनी देर में कुक हो जाएगा? इसको लगते हैं यूजुअली 3 to 4 मिनट्स। अभी यहाँ तवा बड़ा है तो हम 2 भी कर सकते हैं। हाँ अच्छा है ना, हम एक साथ दो करके दिखा देते हैं दर्शकों को, तो हमको भी समझ आएगा। ये देखिए ऐसे आराम से आप उसको पकड़ते जाइए थोड़ी देर के बाद,
जैसे जैसे वो सिकने लगेगा आप उसको पकड़ सकते हैं। वो जैसे जैसे सिकेगा उसका कलर चेंज होने लगेगा, जैसे ऊपर वाले का कलर चेंज होने लगा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा हाँ, तो जैसे आपको अच्छा लगेगा कि वो सिकने लगा है आप उसके थोड़ी देर बाद उसको पलट सकते हैं। हाँ, और थोड़े से हमने इसमें अभी घी के ड्रॉप्स भी ऊपर से डाल दिए हैं। हाँ, घी ऑयल बटर आप जिसमें भी सेक रहे हैं, मैं घी में नहीं सेक रही हूँ, मैं ऑयल में सेक रही हूँ। अच्छा, तो हमने ऑयल के ड्रॉप्स भी ऊपर से डाल के थोड़ा और उसको कर दिया है। अब इसको पलट लेते हैं, थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत फ्लोई है ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड टू मैनेज होता है, बट ठीक है, हो जाता है। वैसे ही हम दूसरा वाला भी पकड़ सकते हैं। हाँ, दूसरा वाला भी ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा सेक गया है, बढ़िया दिख रहा है एकदम। हाँ, खाने में भी ना बहुत अच्छा लगता है, ये लौकी को खाने का एक बहुत अच्छा वे है, इसमें लौकी का टेस्ट समझ ही नहीं आता। हाँ, रौनक के लिए तो इट वॉज शॉकिंग कि लौकी का चीला कोई कैसे खा सकता है। अरे मुझे तो लौकी वैसे भी पसंद नहीं है, बट ये चीज़ें में तो अच्छी लगती है, मतलब मैंने बनाने के पहले एक बार जब लास्ट टाइम आया तो टेस्ट किया था, मतलब मैं बिल्कुल लौकी पसंद नहीं करता हूँ, बट इस चीज़ें में पता ही नहीं पड़ा कि आप लौकी खा रहे हो, बहुत ही अच्छा और प्यारा टेस्ट आ रहा है, मुझे तो खूब मज़ा आ रहा है। अब हम इसको मस्त उठाएंगे और पलट देंगे, ये देखिए। सो अभी ये तवा बड़ा है ना, तो व्हाट आई यूजुअली डू इज, मतलब इससे ही मैंने करना स्टार्ट किया, जो सिक गए हैं एक साइड से मैं उसको साइड में करती जाती हूँ, और जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे अपना नया वाला चीला ला के रखती जाती हूँ, फिर ये वाले दोनों मैं साइड में कर दूँगी, और यहाँ पे एक नया भी बैटर नए चीले के लिए हम स्प्रेड कर सकते हैं, तो बहुत कम टाइम में ना एक्चुअली फटाफट बन जाता है, और चीला डोसा ये सब बनाने में ना बहुत टाइम जाता है। सो अगर आपके पास कुछ बड़ा तवा है तो आप दो तीन लोगों को ईजिली खिला सकते हो। सो हम ऐसे ही सेक लेते हैं। अब ये हमारा हो गया है कंप्लीट, अब हम इसको डालेंगे प्लेट में और हम आपको दिखाते हैं कि ये प्लेट में जाने के बाद कैसा दिखाई देता है। तो ये चला गया है प्लेट में, शानदार दिख रहा है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली रेसिपी में, आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, बनाइए। दिस इज़ मी रौनक एंड श्रुतिका, आपसे कहते हैं विदा, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।